और 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद से ये बड़ा झटका उनके प्रशंसकों को भी लगा है। 28 दिनों से लता मंगेशकर ICU में भर्ती थी, निमोनिया और कोरोना की शिकायत मिल रही थी, और उसके बाद कल शाम को अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है, और जिसके बाद से आज सुबह ये खबर सामने आई है कि लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हमारे बीच अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। तो वही राजन मिश्रा हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, हमारे बीच अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही हैं, पूरी दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति है, उनके फैंस में किस तरीके से दुख देखने को मिल रहा है? देखिए, वाकई में जिस तरीके से लता मंगेशकर जी पिछले 28 दिनों से मुंबई के कैम्ब्रिज अस्पताल में भर्ती थी, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वो ठीक हो गई है, लेकिन जब ये सारी जानकारी मिली करीबन 11:30 से 12:30 के बीच में कि उनकी हालत काफी नाजुक है, तो देश के जो बड़े बड़े जो बड़े बॉलीवुड के तमाम जो हस्तियां हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, मंत्री है, राज ठाकरे जी, ऐसे तमाम जो बड़े नेता, उनसे हालचाल जानने के लिए बकायदा हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन जब ये आज खबर आई कि उनके देहांत हो गए, तो वाकई में ये पूरे देश के लिए एक दुखद खबर है। बिल्कुल, 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, और यही बताया जा रहा है, खबरें ये भी है कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, 28 दिनों से वो ICU में भी भर्ती थी। जी वाकई में, देखिए पिछले काफी दिनों से वो ICU में एडमिट थी, और जब जानकारी मिली कि वेंटिलेटर पर है, उनका जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो काम नहीं कर रहा था, हालांकि बहुत ही बेहतरीन टीम की डॉक्टरों की और उनकी देख रेख कर रही थी, लेकिन वो जिस तरीके से जिससे डॉक्टर ने कहा कि उनका जो बॉडी का जो सिस्टम है वो काम करना, वो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और कहीं ना कहीं यही वजह की आज ठीक करीबन 8:30 बजे उनका देहांत हो गया। बिल्कुल राजन, और उसके बाद खबरें कल ये भी आ रही थी कि उनके स्वास्थ्य में हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन कल शाम को अचानक खबर आती है कि उनकी तबीयत अब बेहद नाजुक हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल बकायदा डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि काफी दिनों से हालत ठीक थी, लेकिन परसों रात को और करीबन 11:30 से 12:30 के बीच में उनकी हालत में काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि राज ठाकरे हो या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो, लता आशा भोसले जी हो, जो तमाम जो बड़े जो सिंगर है, जो राजनीति में जो बड़े सक्रिय है, वो सारे लोग उनके बकायदा हॉस्पिटल पहुंचे उनका हालचाल जाना, लेकिन जब आज ये खबर आई कि उनका देहांत हो गया, तो वाकई में एक बहुत बड़ा एक दुखद खबर है देश प्रदेश के लिए। और एक बड़ी बात है जो ये भी ऐलान किया गया कि आने वाले जो 2 दिन है, अगले 2 दिन ये पूरे देश के लिए जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और करीबन अभी देखिए 11:30 बज रहा है, तो करीबन 1 घंटे के बाद अभी से उनका घर पे उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके बॉडी को लाया जाएगा, और आज मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका जो है। बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच